thank you असला कैसे हैं आप सब आज मैं भी ठीक हूँ तो आज है रमजान का सोलवा रोजा तो रोजे पता नहीं चल रहे कितने जल्दी पंद्रह सोलह दिन हो गए आज तो चलिए फटाफट से दिखा देती हूँ मैं आपको क्या बनाने वाली हूँ तो बटाटा बॉईल करके रख लिया है मैं बनाने जा रही हूँ कटलेस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली है उसमें थोड़ा सा ही तेल डाला है और एक मीडियम साइज़ की प्याज़ डालूंगी मैं इसमें कट करके प्याज़ हल्की सी फ्राई हो जाए उसके बाद बाकी के जो मसाले वो डालूंगी मैं क्योंकि ये मैंने मटन के कीमे से बनाए थे पेटीज इसीलिए सबसे पहले मैं कीमा बना रही हूँ तो प्याज़ हल्की सी फ्राई हो गई उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाला है और हल्का सा भून लेंगे इसकी स्मेल जाने जाने तक भूनना है और उसके बाद जो बाकी के सूखे मसाले मैं इसमें डालूँगी तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साइड में जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो लाल मिर्च पाउडर डाली है अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला है नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना और उसके बाद जो बाकी के मसाले हैं वो डालूँगी मैं इसमें तो हल्दी पाउडर डाला है मैंने आधा चम्मच और अच्छे से भून लेंगे इसको ताकि जो हमने मिर्च और मसाले डाले हैं उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए उसके बाद मैंने इसमें कीमा डाला है तो कीमे की क्वांटिटी मैं आपको बता दूं मैंने 250 ग्राम कीमे का यूज़ किया है और अच्छे से वॉश करके फिर लिया था इसको तो पानी नहीं डालूंगी मैं ये कीमे का पानी थोड़ा छूटेगा उसमें ही पक जाएगा ये अच्छे से तो मिला दूंगी एक बार अच्छे से और तेल की क्वांटिटी बहुत कम डालनी है क्योंकि हम पेटीज़ बना रहे हैं तो उसमें तेल बहुत कम ही जाता है और समोसे बनाते हैं तब भी कीमे में थोड़ा कम ही तेल डाला जाता है उसके बाद धनिया ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने और हरा धनिया मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने यूज़ नहीं किया अगर आपके पास हो तो आप डाल देना और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको और ढक के भी आप रख सकते हो पाँच से सात मिनट और लगेंगे इसको पकने के लिए तो मैं इसको रख देती हूँ साइड में उसके बाद मैं दूसरा काम कर लेती हूँ तो मैंने ये जेली बनाई थी मिल्क जेली तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की है ये फ़ोर फ्लेवर में फ़ोर या सॉरी फ़ाइव फ्लेवर में फ़्लेवर में आती है तो मैंने स्टार्टिंग में शेयर की है कैसे बनानी है इस वीडियो में अगर शेयर करती हूँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती इसलिए मैंने पूरी रेसिपी शेयर नहीं की है तो ये मैंने पिस्ता फ्लेवर की बनाई थी तो सेट करने रख दिया है एकदम गरम गरम में ही सेट करना है तो ये हो गया है अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में तो ये देखिए हो गया था मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में उसके बाद दूसरा प्रोसीजर करेंगे हम तो पेटिस के लिए आलू बॉईल करके ले लिया था मैंने उसके छिलके निकाल लिए हैं और इस तरह से ग्रेटर से ही ग्रेट करना है अगर आप ऐसे ही इसको करोगे तो बराबर से पेटिस बनेंगे नहीं क्योंकि थोड़े थोड़े पीसेस रह जाते आलू के तो ये अच्छे से ग्रेट कर लेना है कुछ इस तरीके से तो पूरे आलू मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हुई देखिए पूरे आलू कर लिए हैं मैंने उसके बाद मैं दो अंडे फेंट लूँगी क्योंकि अंडे का भी यूज़ होगा इसमें तो मैं जो क्वांटिटी में बनाया था उसमें दो अंडे लग गए थे दो अंडे से भी कम लग गए थे अगर आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा बना रहे हो तो अंडे की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर लेना अगर थोड़ा सा ही बना रहे हो तो एक अंडा काफ़ी है तो अंडे में थोड़ा सा नमक डाल के इसको फेट लेना है हल्का सा ही नमक डालना है अंडे के हिसाब से और फेट लेना है इसको और इसके लिए ब्रेड क्रम्स भी लगेंगे उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की है रमज़ान प्रेपरेशन ब्लॉग में कैसे बनाना है तो ये देखिए अंडा फेट के रख दिया साइड साइड में और ब्रेड क्रम्स बताती हूँ मैं आपको तो ये देखिए फर्स्ट रमज़ान में बनाया था मैंने चांद रात को तो भी अभी तक फ्रेश है क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था और ये कीमा है मैंने निकाल लिया है बन गया था वो और आलू में हम जो हमने ग्रेट किया था उसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे ताकि बाइंडिंग करने में आसानी रहे आलू को तो मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी इसमें और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से एक चम्मच के ही डाला है ज़्यादा नहीं डाला है तो हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको और फिर उसके बाद हम पेटीज बनाएंगे इसके तो मैंने ये दो तरीके से बताया आपको और एक वीडियो में बताया है आलू के पेटीज बनाने का तरीका ये दूसरा तरीका है तो ये आलू के अंदर फील करना होता है कीमे को ये उस टाइप के पेटिस है दोनों दोनों अलग अलग टाइप के पेटीज़ बताए मैंने आपको तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मिक्स करके रख लिया था इसको अब जो साइज़ के आपको बनाने हैं छोटे छोटे बॉल बना लेना कुछ इस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा पानी लगा सकते हो हाथ पे ताकि हाथ पे चिपके ना आलू तो थोड़ा सा पानी लगाया है कुछ इस तरीके से कर लिया था क्योंकि मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए थे उसके बाद जो कीमा हमने बनाया था वो डाल देंगे इसमें तो एक चम्मच के करीब डाला था कीमा और अच्छे से प्रेस कर लेना है इसको और प्रेस करके ये कीमा बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए नहीं तो क्या होगा अगर थोड़ा भी बाहर रहेगा तो तेल में ये फट जाएगा और कीमा पूरा तेल में हो जाएगा और तेल भी वेस्टेज हो जाएगा हमारा तो इस बात का ध्यान रखना आप तो अच्छे से प्रेस कर लेना है कुछ इस तरीके से और इसको शेप दे देंगे हल्के हाथ से ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भी आप प्रेस कर सकते हो और ज़्यादा पतला नहीं करना है ये थोड़े मोटे साइज़ का ही रहता है तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है इसको अब अंडे पे कोट करेंगे ये कुछ इस तरीके से और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे तो ये पीस एक रेडी हो गया है मेरा ये देखिए एक मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख लिया था तो ये दूसरा पीस है ज़्यादा पतला नहीं करना है यही साइज़ में रहेगा ये उसके बाद और एक बार आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है तो थोड़ा सा आलू का जो हमने बनाया था वो ले लेंगे थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा दूँगी मैं इसको थोड़ा सा नि... प्रेस कर लेंगे कुछ इस तरीके से और कीमा डाल देंगे इसके अंदर एक चम्मच के करीब कीमा डालना है और अच्छे से प्रेस करके इसको बॉल बना के फिर शेप दे देना है तो ये ध्यान रहे कि ज़्यादा पतला मत करना नहीं तो फट जाएगा तेल में तो ये देखिए कीमा डाल के अच्छे से इसको हाथों की हेल्प से दबा लेना है कुछ इस तरीके से तो ये देखिए अच्छे से प्रेस करके चारों तर, चारों चारों तरफ से ऐसे कर लेना है फिर इसको शेप दे देंगे एक और अंडे अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगा देंगे और इसको डीप फ्राई करना है शेलो फ्राई में ये चारों तरफ से नहीं होगा इसलिए इसको डीप फ्राई किया जाता है तो ये देखिए अंडे में मैं इसको डिप कर लूँगी और उसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्स लगा दूंगी तो अगर अंडा बच जाता है तो आप इसको फ्राई करके खा लेना इसको फेंकना मत तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स लगा दिए है मैंने अब इसको साइड में रख दूंगी तो सब मैं रेडी कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस तरीके से सब मैंने रेडी कर लिए है अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है ये अंडा भी मैं वेस्टेज नहीं करूँगी तो मैंने तेल गरम होने के लिए रख लिया था जब तक कि मैंने जूस बनाए थे वो आपको बता रही हूँ तीन अलग अलग टाइप के जूस बनाए थे वो कोई और वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि कैसे बनाए थे तो ये लिची और मैंगो और एक कौन सा था हाँ पेरू तो तेल गरम करने के लिए कढ़ाई रख दी है मैंने तेल डाला है तो क्योंकि डीप फ्राई करना है एकदम ज़्यादा भी तेल का यूज़ नहीं किया था मैंने तो तेल डाल दिया है तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद जो हमने पेटीज बनाए थे वो डाल देंगे तो फ्राई करने के लिए इतना टाइम नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सब बना हुआ है जो ऊपर के ऊपर अंडा लगा हुआ है बस उसको फ्राई होना है तो इतना टाइम नहीं जाएगा फ्राई करने के लिए तो ये देखिए डाल दिया है मैंने और तीन चार मिनट में ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो ये देखिए तेल चेक करने के बाद ही डालना और इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं आप तेल को छन्नी से छान के यूज़ कर सकते हो फेंकना मत तेल को छन्नी से छान लेना और फिर यूज़ कर लेना तो ये देखिए मैं पलट लेती हूँ ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो ये पलट लिया है मैंने दोनों साइड से तो फिर हो गए हैं ये रेडी तो मैं इसको निकाल लूँगी अब तो आप ग्रीन चटनी टमाटर सॉस या फिर इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी के लिए तो ये देखिए दोनों साइड से हो गए थे उसके बाद मैं इसको निकाल के डिश आउट कर लूँगी तो ये देखिए हो गए गोल्डन ब्राउन अब मैं एक एक करके सब निकाल लूँगी और दूसरा बेज भी इस तरीके से मैं कर लूँगी फ्राई और फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए तो ये मैंने निकाल लिया है प्लेट में अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको तो माशाल्लाह से देखिए अंदर पूरा कीमा दिख रहा है बाहर आलू है तो ये देखिए रेडी है हमारी डिश सर्व करने के लिए तो इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो टाइम हो गया था इफ्तारी का बर्तन लग गया है वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़